goes to Natu Natu. बेटा जीत गया और बाप हार गया। अब आप कहेंगे कि कौन बेटा और कौन बाप? तो आपको बॉलीवुड और टॉलीवुड के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बाद आया सुनील शेट्टी का ये बयान तो याद होगा ही, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड को बाप बता दिया था। बाप बाप रहेगा, बाकी के फैमिली मेंबर्स रहेंगे। बॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड ही रहेगा। ऑल इंडिया में पहचानेंगे तो बॉलीवुड के हीरो उसके तो पहचान ही लेंगे ना। लेकिन गोल्डन ग्लोब से जो खबरें आई, उन्होंने एक बार फिर से बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को आईना दिखाने का काम किया है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर SS राजामौली की फिल्म RRR ने धूम मचा दी है। फिल्म के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड जीता है, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। रिहाना समेत दुनिया के बड़े दिग्गज नाटू नाटू का लोहा मान रहे हैं, जो कम से कम ये तो बताता ही है कि कामयाबी के लिए रंग का बेशर्म होना जरूरी नहीं, अश्लील डांस स्टेप्स का होना जरूरी नहीं। इधर पठान विवाद के बीच नाटू नाटू की कामयाबी पर PM मोदी का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने अवार्ड जीतने के अनाउंसमेंट का वीडियो शेयर करने वाले RR के ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, ये एक बेहद ऐतिहासिक पल है। फिल्म के कंपोजर MM किरावाड़ी, SS राजामौली और RR की पूरी टीम को बधाइयां। भारत के लिए ये बेहद गर्व की बात है। रिएक्शंस में शाहरुख, अमिताभ, चिरंजीव, रामचरण, राजामौली जूनियर, NTR भी शामिल हैं। RR के जीत की खुशी जाहिर करते हुए रामचरण ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया। अवार्ड के बाद की फोटोज शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जीत गए हैं। जूनियर NTR ने MM किरावाड़ी को बधाई देते हुए कहा, नाटू नाटू हमेशा से मेरे लिए बेहद स्पेशल सॉन्ग रहेगा। आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक वेल डिजर्व अवार्ड था। मैंने अपने करियर में कई गानों पर डांस किया है, लेकिन नाटू नाटू मेरे दिल के सबसे करीब है। उधर बिग बी ने भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, RRR की टीम को गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक वेल डिजर्विंग अवार्ड था। इस बीच शाहरुख खान का भी रिएक्शन आया, लेकिन वो थोड़ा अजीब था। उन्होंने लिखा, सर सुबह सुबह आंख खुलते ही मैंने नाटू नाटू गाने पर डांस करते हुए गोल्डन ग्लोब अवार्ड में आपकी जीत को सेलिब्रेट किया। अभी और भी कई अवार्ड्स आने बाकी हैं, आप ऐसे ही इंडिया को प्राउड फील करवाते रहें। लेकिन 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 गौर करने वाली बात यह है कि शाहरुख का ये रिट्वीट SS राजामौली के उस पोस्ट पर है, जिसमें वो शाहरुख और उनकी फिल्म पठान की तारीफ कर रहे हैं। ट्वीट में SS राजामौली ने लिखा था, ट्रेलर शानदार लग रहा है, किंग खान एक बार फिर लौट आए हैं, पठान की पूरी टीम को ऑल द बेस्ट, जिसका मतलब है। लेकिन शाहरुख का इस ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए गोल्डन ग्लोब के लिए नाटू नाटू की बधाई देना, ये साफ कर गया कि शाहरुख इस मौके पर भी अपनी फिल्म के प्रमोशन पर फोकस कर रहे हैं। उधर AR रहमान ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने लिखा, इनक्रेडिबल, सभी भारतीयों और आपके फैंस की तरफ से MM किरावाड़ी और RRR की पूरी टीम को बधाई। यह आपको याद दिला दें कि स्लम डॉग मिलेनियर की फिल्म में म्यूजिक कंपोज करने के लिए AR रहमान खुद ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। बहरहाल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में फिल्म दो कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, पहली बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और दूसरा बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। सेकंड कैटेगरी में RR थोड़ी पिछड़ गई, लेकिन फिर भी साउथ सिनेमा की ये कामयाबी बताती है कि भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर बनाए गए क्रिएटिव कॉन्टेंट के कदरदानों की कमी नहीं है, जिसमें बॉलीवुड फिलहाल बुरी तरह पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।